सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेजा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए जो कि काफ़ी हद तक ठीक लगेगी। पहले तो ऑफिशियल पे सुबह ही आज जो टीज़र है वो लॉन्च हो चुका है, तो पहले आप लोग टीज़र देख लीजिए, उसके बाद ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी बुकिंग के बारे में, और बुकिंग की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड चलते हैं आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, तो पहले आप लोग टीज़र देख लीजिए। सो टीजर आप लोगों ने देख लिया, लेकिन तो वहीं पर बात आएगी कि यार इसमें जो है वो कितना अमाउंट लगेगा बुकिंग कराने पर। तो देख लो कि आप सभी लोगों को स्टार्टिंग प्री बुकिंग का जो अमाउंट है वो है 11,000 रुपये, जो कि मतलब कि इनकी ऑफिशियल पे ही 11,000 रुपये पे करके और गाड़ी को बुक करना होगा, या फिर आप आसपास के मारुति सुजुकी अरेना शोरूम में भी जाके देख सकते हैं। और वहीं इस गाड़ी के भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या इसका प्राइस होने वाला है और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन होंगी, क्या इसमें इंटीरियर में क्या मिलेगा और एक्सटीरियर कैसा होगा। तो भाई आप सभी लोगों के लिए रश लाइन की तरफ से वीडियो भी आ चुका था जो कि मैंने अपनी कई वीडियोज में दिखाया है, लेकिन इसमें एक बार फिर से सभी लोग देख लीजिए कि इसकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो काफ़ी बेहतर है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी इस गाड़ी की है। और वहीं अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का K15 नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है, जो कि आप सभी लोगों को 103 bhp की पावर जनरेट करेगा एंड 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा। और वही साइड प्रोफाइल की अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो इसमें डॉयल जेट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि डायमंड कट होंगे, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। और इसमें भाई जो ऑफिशियल टीजर आप लोगों ने देखा तो इसमें अभी तो कंपनी ने सिर्फ सनरूफ को दिखाया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस गाड़ी का ऑफिशियल कहें या अनऑफिशियल कहें हर जगह पे इस गाड़ी को है जो ट्रेंड कर दिया गया है। तो भाई इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वीडियो में भाई लाइक जरूर करते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव और नई नई गाड़ियों की रिलेटिव वाली वीडियोज जो है वो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और वहीं इस गाड़ी के अगर हम अंदर इंटीरियर की बात करें तो अपडेटेड वाली स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, जो कि बॉटम कट स्टेयरिंग व्हील है जो काफ़ी बेहतर बना रही है इस गाड़ी को। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बिल्कुल भी चेंज कर दिया है। उसी के साथ आप सभी लोगों को 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 360 डिग्री व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो और मिड साइज एसयूवी में ऐसा कैसे मिलना है भाई, कोई और गाड़ी में क्या मिलता है। हाँ, बलिनो में आया है जो कि मारुति सुजुकी की है, लेकिन उसमें नेक्सा की बैजिंग है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग नेक्सा वगैरह जो भी मतलब आपस का इन लोगों का तो वैसे करते होंगे। लेकिन इस गाड़ी के अगर हम इंजन की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, जो मिल्ड है इस गाड़ी की तो वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि पावरफुल है। और इसमें आप सभी लोगों को हाइब्रिड वाली बहुत सारी कमी गाड़ियाँ देखने को मिलती, जैसे कि एसक्रॉस हो गई और अर्टिका हो गई, तो यही सब दो तीन गाड़ियाँ हैं जो इनमें देखने को मिलती हैं। बाकी सब तो भाई जैसे हैचबैक्स में बहुत सारी आती हैं इनमें, जैसे कि अब नामी क्या बोलने छोड़ो उनको। तो भाई यही थी आज की छोटी सी वीडियो, और इसकी और भी डिटेल्स में वीडियोस चाहिए तो चैनल पर जाकर विजिट करना और देखना और भी वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप गाड़ी को बुक कर सकते हैं और अपना ओपिनियन बताना गाड़ी चलाने के बाद या फिर गाड़ी आपके हाथ में आने के बाद। तो अभी जाके फटाफट से बुक करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। लिंक किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।